सबको जय मसीह की। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम आए हैं यहाँ परमेश्वर की महिमा करने के लिए और उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। और ये दिन यहोवा ने बनाया है और वो कहता है कि हम और आप उसमें आनंदित हो। आमीन। आइए हम कुछ समय ले और परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिछले जो वीक गया है परमेश्वर को उसमें धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको और मुझको सुरक्षित रखा है और सारी ज़रूरतों को पूरा किया। आमीन। आइए थोड़ा समय ले और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आप ही वो जीवित परमेश्वर हैं जो थे जो हैं जो सर्वदा के लिए रहेंगे। परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर आज, कि जब हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हम सारा अपना दर्द अपना बोझ परमेश्वर आपके सामने लाते परमेश्वर और आपके सामने रख देते हैं परमेश्वर, ताकि जब हम यहाँ से जाए परमेश्वर एक नया जीवन पाने पाए परमेश्वर, और एक ऐसा जीवन जो आप में हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। वदी जीसस। वचन बताती है कि हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बने हैं, उसकी आराधना के लिए बने हैं। आमीन। और आज जब हम यहाँ आराधना के लिए आए हैं और कुछ गीतों को गाएंगे, क्यों ना उसको ध्यान में रखते हुए और उसी प्रार्थना से कि परमेश्वर जो भी हम गीत गाते हैं और जैसे भी हम ताली बजाते हैं परमेश्वर आप उसमें खुश हो। आमीन।
परमेश्वर, तेरा नाम धन्य है परमेश्वर। परमेश्वर का वो वादा है कि शत्रुओं के सामने वो उस मेज को बिछाएगा, और वो आपसे मुझसे कहता है कि तुम जाओ, वो शत्रुओं के सामने जाओ, मगर याद रखना कि वो विजेता तुम्हारा है। That victory is yours. परमेश्वर वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज मैं और आप उसी परमेश्वर को धन्यवाद देने आए। जब मैंने सोचा है कि वो मेरा और आपका सहारा है, वो मेरा और आपका सामर्थ है, वो मेरी और आपकी वो शांति है, वो शांति जो इस दुनिया में कहीं नहीं है, वो शांति वो परमेश्वर के पास है। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, वो सामर्थ दूंगा, वो ताकत दूंगा कि तुम
कल को देख पाओ, कि तुम कल को सामना कर पाओ। क्यों ना हम कुछ समय लें चर्च, कुछ समय लें परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ हुआ होगा हमारे इस जीवन में, कि परमेश्वर ने हमारी वो परिस्थिति को तुरंत बदल दिया। हमें और आपको जानना है कि वो एक सामर्थ्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो नाम जो सबसे ऊंचा नाम है, वो प्रभु यीशु का नाम है। केवल तू है यीशु, केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। ऐसी जिंदगी बनानी है कि हम कहने पाए कि परमेश्वर केवल आप ही काफी है मेरे लिए। Yeah.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर जो गीत अभी हमने गाया है इस बात का अंगीकार अपने मुख से करें कि परमेश्वर केवल तू ही है और सिर्फ तू ही है, सब कुछ मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस बात का अंगीकार करें कि परमेश्वर मेरी बीमारियों में सिर्फ केवल तू ही है जो मेरी चंगाई है। हालेलुया परमेश्वर मेरी चुनौतियों में, उन मुश्किलों में, उन परेशानियों में सिर्फ तू ही है जो सब कुछ है। हालेलुया हालेलुया। आज की सुबह आइए हम अपने हाथों को उठाकर इस बात का अंगीकार करें जो गीत हमने गाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। हाथ उठाकर गाएंगे केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। एक बार अंतिम बार हम फिर से गाएंगे एक हाथ को दिल पर रखते हुए केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा, केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा ओ रिल्ला लबा शिखेरे बेरे बेरे बे शांदरो बोरी खराबा ओ रिखा बाबा बा शिखेरे बेरे बे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर आज की सुबह ये जो गीत हमने गाया यही हमारी प्रार्थना, यही हमारा अंगीकार है कि यहोवा आप ही हमारे यीरे, आप भी हमारे राफा, हमें चंगा करने वाले, और आप ही हमारा सब कुछ है। इसलिए पिता परमेश्वर आज की सुबह हम आपकी ओर देखते हैं क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ है। और खास रीति से पिता परमेश्वर आज की सुबह हम उन लोगों को आपके स्वर्ग सिंहासन के सम्मुख ले आते हैं जिन्हें आपके शारीरिक रूप से, हो सकता है भावनात्मक रूप से या आत्मिक रूप से आपकी चंगाई की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर आप जो यहोवा राफा हैं, हमें चंगा करने वाले परमेश्वर, पिता आप अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को छूइए। पिता आज की सुबह खास रीति से हम प्रार्थना करते हैं भाई सूरज के लिए जो इस कलीसिया के द्वारा भेजे गए तेरा दास है और सेफई में सेवकाई करता है। पिता जबकि वो निरंतर एक पेट का दर्द उन्हें परेशान किए हुए हैं, हम उनको आपके सिंहासन के सम्मुख ले आते हैं आज की सुबह और प्रार्थना करते हैं भाई सूरज को पिता आप छुई है, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो दर्द यीशु के नाम में दूर होने पाए ताकि ये भाई तेरी सेवकाई को उस सेवकाई नगर में और एक अद्भुत गवाही, एक चंगाई की गवाही को लेकर के करने पाए और पिता कई सारे लोग, कई सारे जवान तेरी ओर खींचे चले आए। पिता हम इस भाई को, इनकी सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनकी सहायता कर आज की सुबह। पिता हम आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, होने दे तेरे लोगों पर आपका अनुग्रह हो। पिता आप इनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आप इनकी निराशाओं को जानने वाले परमेश्वर हैं और पिता होने दीजिए आज की सुबह आप हमसे बात करें। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में विनती को मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। मेरे प्रिय आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं।
Nice to see all of you here this Sunday morning. और आज की सुबह रविवार की सुबह आप सबको देखकर मैं यहाँ पर मैं बहुत बेहद खुश हूँ. Being in the house of God means to be right in the house of our God. और परमेश्वर के भवन में होने का मतलब है हम उस स्थान पर हैं जिस भवन में हमें परमेश्वर चाहता है. How many of you are happy to be in the house of your heavenly Father? और आप में से कितने खुश हैं, आनंदित हैं अपने स्वर्गीय पिता के घर में? Are you really happy? क्या आप सच में खुश हैं? Then you have this opportunity every Sunday morning. और इसलिए आपके पास ये मौका हर रविवार की सुबह मौजूद है. And every Wednesday evening. और हर बुधवार की शाम को. You don't love your father's house on Wednesday evening? क्या आप अपने पिता के घर से बुधवार की शाम को प्रेम नहीं रखते? That is very strange. If we love our father, it should be our desire to run to our father's house because the father is inviting us. और अगर हम अपने पिता से प्रेम रखते हैं तो हम भागकर उसके भवन में जाएंगे क्योंकि ये पिता खुद है जो यहाँ आने का न्योता हमें देता है. And that's the way we express our love for our father. और इसी रीति से हम अपने पिता के लिए अपने प्रेम को दर्शाते हैं. He is a loving father. वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है. Compassionate father. एक दया करने वाला परमेश्वर. A great merciful God. और एक दयावंत परमेश्वर. And a God of eternity. और अनंत का परमेश्वर. There is nothing that he cannot do. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर पाए. The only thing he cannot do a few things. कुछ ऐसी बातें हैं जो वो नहीं करता. You know the Bible says there are certain things God cannot do. और बाइबल बताती है कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता. One of the things is. और उनमें से एक बात है. He cannot tell lies. वो झूठ नहीं बोल सकता. He does not lie to anybody. और वो किसी से भी झूठ नहीं बोलता. The another thing is. और जो दूसरी बात है. He not a man that he should lie. और वो कोई मनुष्य नहीं है जो वो झूठ बोलेगा. And that means he always tells us the truth. और इसका मतलब है वो हमेशा सत्य या सच्चाई को हमें बताता है. So blessed are those who love the truth. और इसलिए धन्य है वे जो सच से प्रेम रखते हैं. I have a great concern for our young children, young people. और मेरे पास एक खास चिंता है हमारे जवानों के लिए. As well as our parents. और खास साथ ही साथ माता पिताओं के लिए. I'm concerned about our modern parents because they are not training up the children the way they ought. और मैं चिंता करता हूँ आधुनिक आज के माता पिताओं के विषय में खासकर क्योंकि वो बच्चों को परमेश्वर के तरीकों में नहीं बढ़ा रहे. It is important. और ये महत्वपूर्ण है. So if our children fail, that means the parents are failing. और अगर हमारे बच्चे असफल होते हैं इसका मतलब है माता पिता असफल हो गए हैं. And this makes our heavenly father very very sad. और ये बात हमारे स्वर्गीय पिता को बड़ा दुख पहुँचाती है. So let us honor our God. तो आइए हम अपने परमेश्वर का आदर करें. I have a concern for our young people, especially because in a spiritual we are living at a time when we are. I was going through some written materials which makes me terribly upset and sad. और मैं कुछ लिखित बातों से होकर के जा रहा था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा रूप से दुखित करती हैं, चोट पहुँचाती हैं. बिकॉज वन ऑफ द साइंस ऑफ द एंड टाइम. क्योंकि एक चिन्ह जो अंत के दिनों का होगा. दैट मेनी विल फॉल फ्रॉम देयर फेथ. कि कई अपने विश्वास से गिर जाएंगे. डिड यू रीड इट इन द वर्ड? क्या आपने इस बात को वचन में पढ़ा है? इट इज देयर. Many will fall, including preachers. और कई सारे विश्वास से गिर जाएंगे और उनमें प्रचारक भी शामिल हैं. Last year, one of our Pentecostal pastor in Kerala. और पिछले साल एक पेंटेकोस्ट विश्वास के एक पाजवान जो केरला राज्य में थे. He was a pastor for 15 years. और लगभग 15 साल से वो पाजवान थे. Then suddenly he decided to change.
and he went back to Hinduism. और अचानक से उन्हें उनके मन में ये आया कि वो अपना मन फिर से बदलेंगे और वापस जो है वो हिंदू रीति रिवाजों की ओर मुड़ गए. You know what happened? Everybody will get after him. और आप होता ये है सब उनके पीछे पड़ गए. The media people. और जो न्यूज़ चैनल्स के लोग थे वो भी. To interview him. ताकि उनका इंटरव्यू लिया जा सके. And you know that will go all over. और ये बात पूरे विश्व भर में फैली. And he was giving interviews. और वो जो है इंटरव्यूज दे रहे थे अखबारों को चैनलों को. Many shall fall from the faith. और कई सारे विश्वास से गिर जाएंगे. And then love of many shall grow cold. और कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा. You know what it means to ठंडा पड़ेगा? आपको पता है इस बात का क्या मतलब है जो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा? You know what happened? It will be frozen at the end. अंत में वो जम जाएगा. So you and I, if we are serious about our relationship with the Lord, must be very, very careful these days that we will not allow ourselves to fall from the faith and grow cold in our love. अगर आप और मैं इस बात को लेकर बड़े सावधान बने रहें कि हम विश्वास में पीछे नहीं हटेंगे या गिरेंगे और अपने प्रेम में परमेश्वर के लिए ठंडे नहीं पड़ेंगे. We have so many instructions in God's word. और परमेश्वर के वचन में कई सारे निर्देशों को हमारे लिए दिया गया है. And my business is, our pastor's business is to read what is written in God's word, that is God's word. और हम पासवानों का काम ये है कि हम उस वचन को जो परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा गया है पढ़ें और आपको दें. And we don't compromise. और इसमें हम कोई समझौता नहीं करते. We are not perfect. और हम सिद्ध नहीं हैं. But that doesn't mean we have to live in the imperfection all the time. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम असिद्धता को बार बार या उसके विषय में बार बार बात करें. So turn in your Bibles to Ephesians. और इसलिए आज की सुबह आइए इफिसियों की पत्री की ओर हम अपने बाइबल को खोलें. And let us read. Open to chapter 6. और छठे अध्याय की ओर. And we will read verse 11. और ग्यारहवां वचन. And I would like to share from this word. और इस वचन से आज की सुबह मैं बांटूंगा. And I pray that the Holy Spirit will give you the anointing needed for you to listen. And understand. और मेरी प्रार्थना यह है कि पवित्र आत्मा आप सबको वो अभिषेक देगा ताकि आप इस वचन को सुनने और समझने पाएं. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति. God is a good God, isn't he? परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. Do you remain? Blessed are those who remain faithful till the end. और धन्य है वे जो अंत तक विश्वास योग्य ठहरेंगे. They shall be saved. क्योंकि वो बचा लिए जाएंगे. So don't think that you are saved now. और ऐसा ना सोचिए कि अभी आप बचा लिए गए हैं. Your final salvation will come depending on how you are when the Lord comes. आपका अंतिम उद्धार तो उस बात पर निर्भर करता है कि आपकी क्या दशा होगी जब यीशु का आगमन होगा. When he comes, we don't know. और कब वो आएगा ये हम नहीं जानते. And so if I knew when he was coming, और अगर हम ये जाने कि कब वो आएगा, then I can live leisurely, तब मैं आराम से जी सकता हूँ. And if he says that he is coming on October 31st, 2022, और मान लीजिए कहने के लिए अगर ऐसा कहा जाए कि वो 31 अक्टूबर और 2022 में आ रहा है. If I knew that, अगर मुझे ऐसा पता होता, then I can just get ready on October 1st onward. तब मैं पहले अक्टूबर से ही तैयारी शुरू कर देता. Until then I can enjoy life. लेकिन तब तक मैं जीवन का आनंद उठाता और जो करना चाहूँ वो करूँ. And then October 1st suddenly I become a changed person. लेकिन अक्टूबर एक तारीख से मैं अचानक से बदला हुआ व्यक्ति बन जाता. But do you think I'll be able to hold on till October 31st? लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है 31 अक्टूबर तक मैं खुद को संभाल पाता? No guarantee. October 1st will be over, 10th come. और पहली तारीख खत्म हो गई, 10 अक्टूबर आया. And then I say, there are 20 more days. और फिर मैं ये बहाना करूँगा, 20 और दिन बचे हैं अभी. आज भी थोड़ा सा हम मजा करेंगे. That is the problem. और यही समस्या है. God is an all-wise God. परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर. That's why He has not given us any date or year and all that. और इसी कारण वर्ष उसने कोई दिन, कोई तारीख, कोई महीना या वर्ष हमें नहीं दिया. We don't know.
हमें नहीं पता. सो डोंट बिलीव एनीवन हु कम्स अलोंग से यू नो जीसस इज कमिंग इन अक्टूबर 31st, गेट रेडी. डोंट बिलीव. और इसलिए ऐसे किसी पर भविष्यवक्ता पर विश्वास ना करिए जो ये कहता है कि 31 अक्टूबर 2022 में यीशु मसीह आ रहा है. डोंट डिसीव योरसेल्फ. अपने आप को धोखा ना दीजिए. वर्स 11 सेज, 11वां वचन कहता है, पुट ऑन द फुल armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. What does it say? और क्या लिखा है? The devil has a scheme. कि शैतान के पास युक्तियां हैं. And here it is used plural. और यहाँ पर इसको बहुवचन में प्रयोग किया गया है. Not scheme but schemes. और यहाँ पर युक्ति नहीं लेकिन युक्तियों लिखा हुआ है. He has many ways of tempting you and causing you to fall and deny Christ. और उसके पास कई सारे तरीके हैं कि वो आपको परीक्षा में डाले और किसी रीति से गिराकर यीशु मसीह से दूर कर दे. And be unprepared when the Lord comes. और आपको तैयारी के संग आप रहें जब यीशु मसीह का आगमन हो. And so what does it say here? तो इसलिए यहाँ पर क्या कहता है? Christians are engaged in a spiritual battle. कि जो मसीह हैं वो एक आत्मिक युद्ध में लड़ रहे हैं. A spiritual conflict with whom? With the devil himself. एक आत्मिक युद्ध या मल युद्ध किसके संग? शैतान के साथ. You understand that? क्या आप इस बात को समझते हैं? That means there is a devil. इसका मतलब ये है कि एक शैतान है. And this devil is, he has many schemes to pull down any children of God. और उसके पास कई सारी युक्तियां या तरीके मौजूद हैं कि वो परमेश्वर के लोगों को, दासों को नीचे गिराए. और इसलिए आप भी इससे बचे नहीं हैं. So you need to be on the alert. और इसलिए आपको भी सावधानी बरतनी है. You must always remember that you are in conflict with this devil. और आपको हमेशा ये याद रखना है कि इस शैतान के संग आपका एक मल युद्ध चल रहा And है. Don't think you are a match for him. और ऐसा मत सोचिएगा कि आप उससे लड़ पाएंगे. You don't stand any chance. आपके पास कोई भी ऐसा मौका नहीं है. You know how old are you? आपको पता है कितने उम्र आपकी है? You may be 22. हो सकता है 22 साल के. 23. हो सकता है 23 साल के. 30. या 30 साल के. और से 100. या हो सकता है 100 साल के. और से 200. या कहते 200 साल की उम्र. What is 200? 200 क्या है? You know how many years of experience the devil has? क्या आपको पता है शैतान के पास कितने सालों का अनुभव है? I don't know. मुझे नहीं पता. But with mankind, लेकिन मानवता के संग, he has over 6,000 years of experience. लेकिन मानवता के संग लगभग उसके पास 6,000 सालों का अनुभव है. But he has more experience before that. लेकिन उससे पहले भी कई सालों का अनुभव उसके In पास the eternity past, अनंत में. Do you know where he started his schemes? क्या आपको पता है उसने अपनी युक्तियों की शुरुआत कहां करी? In the eternity past. अनंत में ही उन बातों की शुरुआत उसने कर दी. When the devil was the most beautiful angel created by God. जबकि शैतान खुद परमेश्वर के द्वारा बनाया गया सबसे सुंदर स्वर्गदूत था. He was not only beautiful, he was very, very, very special. और वह ना केवल सुंदर लेकिन साथ ही साथ बहुत खास एक स्वर्गदूत. He was the leader of the millions and millions of angels. और वो लाखों और लाखों स्वर्गदूतों के ऊपर एक अगुआ था. You know there are billions of angels. और आप सबको पता होगा करोड़ों की, अरबों की संख्या में स्वर्गदूत मौजूद हैं. And we don't know how many. हमें नहीं पता कितने. But God has His army. लेकिन परमेश्वर के पास अपनी एक सेना मौजूद है. And in His army there are millions of angels. और उसकी सेना में कई सारे लाखों की संख्या में स्वर्गदूत मौजूद हैं. And this Lucifer was the leader among all. और ये लूसीफर इन सारे स्वर्गदूतों का अगुआ था. He was closest to God. और वो परमेश्वर के सबसे निकट. And he was the choir director. और वो के आराधना का समूह का अगुआ. एंड दिस डेविल लूसीफर्स बॉडी वाज स्पेशली क्रिएटेड. और ये लूसीफर जो स्वर्गदूत था इसकी देह या शरीर को परमेश्वर ने खास रीति से बनाया था. बाय द क्रिएटर गॉड हिमसेल्फ. और खुद वो सृष्टिहार परमेश्वर ने. हिज बॉडी वाज सच. और उसका शरीर इस प्रकार से था. बट बाय द मूवमेंट ऑफ हिज बॉडी ही कुड प्रोड्यूस द इंस्ट्रूमेंट्स मेनी मेनी इंस्ट्रूमेंट्स साउंड. कि उसके चलने फिरने उसके शरीर के गतिविधियों से भी संगीत के आवाजें आती थी. He didn't have to carry these trumpet.
और उसे अपनी वो तुरही लेकर के चलना नहीं पड़ता, और हार्प और फ्लूट या वो बांसुरी या वो वीणा लेकर के नहीं चलना पड़ता। He could produce all this in his from his body. लेकिन इन सारे जो इन आवाजों को यंत्रों की आवाजों को अपनी देह से लाता था। He was that great. और वो इतना महान स्वर्गदूत था। And you know because of his position. और उसके स्थान की वजह से। You know what happened to him? आपको पता है उसके संग क्या हुआ? Pride got into him. घमंड उसके अंदर आया। So some people ask, where did sin originate? तो कई लोग पूछते हैं पाप कहाँ से शुरू हुआ? Is there originated in heaven? और हम कहते हैं पाप की शुरुआत स्वर्ग में हुई। The most perfect place. और सबसे सिद्ध स्थान। Right, the home of our Almighty God. और वो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भवन या उसका घर। And Lucifer was the closest to God. और लूसीफर ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सबसे निकट था। And in his heart pride came. और उसके हृदय में घमंड आया। From where? कहां से? From his own heart. अपने ही हृदय से। What he thought? I am handsome. और उसने ऐसा सोचा कि मैं सुंदर हूँ। I am powerful. और मेरे पास शक्ति है। Look at these billions of angels. और इन करोड़ों स्वर्गदूतों को देखो। They are all under me. और ये सब के सब मेरे अधीन हैं। And I am the choir director. और मैं आराधना का समूह का। And I am closest to Almighty God. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सबसे निकट हूँ। And all these things caused that pride to get into him. और इन सारी बातें उसके अंदर एक घमंड को ले आई। From within himself. उसके भीतर से। He thought, अरे, then why can't I be God? तब उसने ऐसा सोचा कि मैं क्यों नहीं परमेश्वर बन सकता? At least to begin with, I will be equal to God. और इस बात से शुरुआत करूं कि कम से कम मैं परमेश्वर के बराबर हूं। So he said, I will lift up, transfer my throne. और उसने ऐसा कहा या सोचा कि मैं अपने सिंहासन को उठाऊंगा। From where it is now. जहां पर वो अभी है। And lift it up. और उसे उठाकर। And I will make it बराबर to Almighty God. मैं इसे सर्वशक्तिमान के बराबरी में ले आऊंगा। So God is seated here. और मान लीजिए परमेश्वर यहाँ पर। And I will have my throne next to him. और मैं परमेश्वर के बगल में अपने सिंहासन को लगाऊंगा। So I will be equal to God. और मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। So how long he stayed like that, we don't know. और कितने समय तक वो ऐसा रहा हमें नहीं पता। But suddenly he changed his thought. लेकिन अचानक से उसने अपने युक्तियों को बदल दिया। अरे, I came up to here. अब मैं यहाँ पर बराबरी पर आ गया हूँ। So why don't I lift my throne higher than the Almighty God? तो क्यों नहीं मैं अपने सिंहासन को सर्वशक्तिमान के सिंहासन से उठाकर ऊंचा कर दूं? Making God lower. और परमेश्वर को नीचा ले आऊं। Do you think you can win a battle with God? क्या आपको लगता है परमेश्वर के संग आप किसी युद्ध को जीत सकते हैं? No. नहीं। He did not share this with Almighty God. और उसने ये सारी बातों को परमेश्वर से नहीं बांटा। But God immediately knew. लेकिन परमेश्वर तुरंत ही जानता था कि उसके मन में क्या चलता है। And that was enough for God to act. और इतना ही काफी था परमेश्वर के लिए अपने कार्य को करने के लिए। What he did? परमेश्वर ने क्या किया? He cast him out of heaven. और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर फेंका। But here is where something happened. और लेकिन एक और बात यहाँ पर हुई। He already influenced 1/3 of the angelic forces. लेकिन जब तक ये होता, उसका स्वर से उसे बाहर निकाला जाता, तब तक लूसीफर या शैतान ने स्वर्गदूतों की एक तिहाई भाग को अपनी ओर कर लिया था। What is that? इसका क्या मतलब? Rebellion started in heaven. इसका मतलब है विद्रोह की शुरुआत भी स्वर्ग में हुई। Among the angels. स्वर्गदूतों के बीच। Politics. और वो जो हम राजनीति कहते हैं। So the bad politics was born in heaven. वो जो गंदी जो राजनीति है उसकी शुरुआत भी स्वर्ग में हुई। Yes, so you see politics. और इसलिए अगर आप राजनीति को होता हुआ देखते हैं। Even among Christians. मसीहों के बीच में। And the churches elections and all that. और कलीसियाओं में भी अब इलेक्शन होते हैं। Don't worry. आप घबराइए नहीं। Don't be surprised. और भौचक्के ना हो जाइए। It started in heaven. और इसकी शुरुआत स्वर्ग में हुई। Among the angels. स्वर्गदूतों के बीच में। And this Lucifer had have managed to influence 1/3 force of angels. और शैतान या लूसीफर ने इस बात का को सुनिश्चित किया कि लगभग एक तिहाई स्वर्गदूतों के ऊपर उसने उन्हें प्रभावित किया। And when God caused his fall, और जब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से बाहर फेंका, and cast him out of heaven, और स्वर्ग से निकाल फेंका, how many angels followed him? कितने सारे स्वर्गदूत उसके संग पीछे पीछे गए? 1/3 of the angels. एक तिहाई सारे स्वर्गदूतों की जितनी गिनती थी उसमें से एक तिहाई उसके पीछे। And they numbered millions of angels. और उनकी गिनती लाखों में है। Now what happened to these
fallen angels. और इन गिरे हुए सगदूतों के संग क्या हुआ? Who remember? आप में से कितनों को याद है? If you remember some of my teaching, you will know. आप अगर मेरी कुछ शिक्षाओं को याद करिए तो आपको याद होगा. These are the fallen angels who are going around as demons today. और यही गिरी हुए स्वर्गदूत हैं जो आज के दिन दुष्ट आत्माओं के रूप में इधर उधर भटकते हैं. They are the demons. और यही हैं वो दुष्ट आत्माएं. They are the ones who get into people. और यही हैं वो दुष्ट आत्माएं जो लोगों के भीतर जाती हैं. So the only people who have authority over these demons are God's people under the anointing of the Holy Spirit. और इसलिए याद रखिए, सिर्फ एक ऐसे लोग ही इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखते हैं, वो है परमेश्वर के लोग जिन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला. Only they can cast out demons. और सिर्फ वही इन दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं. The powerful spirit-filled church. और वो कलीसिया जो सामर्थ और अभिषेक से भरी है. So we know how many demons we have cast out of this place. और आप सबको पता है इस स्थान पर हमने कितनी सारी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला. So many were freed. और आप में से कितने आजाद हुए? And even now. और आज के दिन many of our pastors are, we have a pastor Ramesh, you know, he has almost every week he cast out at least 2 demons. और एक हमारे कई सारे ऐसे पासवान हैं जिनके पास यही सेवा है, और एक पास्टर रमेश है, वो हर हफ्ते कम से कम 2 दुष्ट आत्माओं को जरूर बाहर निकालते हैं. And so that's why, और इसलिए when our church service on a Sunday is disturbed by some demons, अगर मान लीजिए किसी रविवार को हमारी आराधना की सभा के बीच को रोका जाए किसी दुष्ट आत्मा के द्वारा, प्लीज डोंट गेट अपसेट. तो कृपया करके आप नाराज ना होए, निराश ना होइए. You know, some Pentecostal churches, they don't like such kind of manifestation in their midst. क्योंकि कई सारे पेंटेकोस्ट की कलीसिया ऐसी हैं जो इस प्रकार का जो प्रकाशीकरण होता है उसको नहीं पसंद करते. Sunday morning they will get very angry. और रविवार की सुबह बड़े गुस्से हो जाएंगे. Get him out. Get him out. और इस व्यक्ति को यहाँ से बाहर फेंको. Get her out. अरे उसको बाहर निकालो. They are disturbing the service. और वो सभा के बीच को जो समय है उसको बर्बाद करते हैं. Why do they do that? और ऐसा वो क्यों करते हैं? The church has the authority to cast the demons out. कलीसिया के पास तो ये अधिकार है कि वो दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाले. So instead of the church doing that, और इसकी बजाय कि चर्च कलीसिया ऐसा करे, they are casting the entire person out. वो पूरे व्यक्ति को ही बाहर निकाल देते हैं. That shows the weakness of the church today. और वो दिखाता है कलीसिया की कमजोरी को आज के दिन. They have no authority. उनके पास कोई अधिकार नहीं है. They have no confidence. उनके पास कोई भरोसा नहीं. They have forgotten what God has commanded. और वो भूल गए हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्या आज्ञा दी है. If you study the life of Jesus from the New Testament, और अगर आप नए नियम से प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में पढ़े, you know, where was his pulpit? He never had a pulpit like this. और उनके पास इस प्रकार का कोई भी वेदी नहीं था. He never was a pastor when a, where was his ministry? उसकी सेवा कहां पर थी? Outside. बाहर. In the street. और सड़कों पर. Under the tree. और पेड़ों के नीचे. On the hilltop. या उन चोटियों चट्टानों के ऊपर. Only on Saturdays he used to visit a synagogue. और सिर्फ शनिवार के दिन वो उस आराधनालय में जाएगा. And some people are so holy. और कुछ लोग इतने पवित्र हैं. That they say, we don't, I don't go to church. कि मैं कलीसिया नहीं जाता. I ask why, this is something spoken to me. और ये एक ऐसी बात है जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से Not कही गई. Not only me, I hear others speaking. To other pastors. और मैं दूसरों को भी सुनता हूँ, दूसरे पास्टर्स से. Oh, या पास्टर्स I don't से go कहते, to church. अरे मैं कलीसिया नहीं yes, जाता. So why? क्यों? अरे those who come to church, they are all hypocrites. क्योंकि जो कलीसिया आते हैं वो सब पाखंडी हैं. They are meaningless people. और वो सब अर्थहीन लोग so हैं. I don't go. इसलिए मैं वहां नहीं जाता. And who is he? और ये कौन है जो ऐसा कहता है? He is the greatest hypocrite. और वो सबसे महान पाखंडी है. Why? क्यों? Jesus himself knew who were in synagogues. और यीशु मसीह खुद इस बात को जानता था कि आराधनालय के भीतर किस प्रकार के लोग हैं. You know what he called them? और आपको पता है उन लोगों को यीशु ने क्या कहा? Number one hypocrites. उन्हें यीशु ने कहा ये सबसे उत्तम या number one पाखंडी लोग हैं. He addressed them also like that. और इसी प्रकार से कहकर ही उनको बुलाता था. You hypocrites. कहता था हे पाखंडियों. And then he called them as sons of vipers. और उन्हें कहता था सांप की संतानों या बच्चों. Viper is one of the most poisonous snakes. और याद रखिए जो वाइपर प्रजाति है सांपों में वो सबसे जहरीली है. And he also called them as the tombs. और उन्हें कहता था
पुते हुए कब्रों के समान. You know, you go to our कब्रस्तान. और अगर आप कब्रस्तान में जाएंगे, some of the tombs are so expensively built. और कई सारी कब्रों को इतनी महंग पैसे लगा करके बनाया गया है. And marbles and is built up. And then the cross, and they think by doing all this, they are showing how much they love Jesus. But they will never go to heaven. और कई सारी कब्रों पे मार्बल ग्रेनाइट और बहुत सजा करके यहाँ तक क्रूस भी लगाया गया और ये करने के द्वारा वो दिखाते हैं कि कितना यीशु से प्रेम करते हैं. And what is inside of it? लेकिन इस कब्र के अंदर क्या है? You know what is inside of it? कब्र के अंदर क्या है? My wife is there. मेरी पत्नी. I mean, she is the closest, she is the most loved one, and so let me open the cover again to see. तो मेरे नजदीक और मेरे सबसे प्रिय वही हैं, तो मैं फिर से एक बार कब्र को खोलकर उन्हें देख लूं. I just want to see her face. और मैं फिर से उनके मुख को देखना चाहता हूं. Do you do that? क्या आप ऐसा करते हैं? The love is so great when she dies. जब वो मर जाती हैं, तो प्रेम और बड़ा हो जाता है. Husbands. इसलिए पतियों, I warn you, मैं आपको चेतावनी देता हूं. If you don't love your wife while she is alive and you are alive, आप अगर अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करते जब आप और वे दोनों जीवित हैं, you don't follow Jesus. तब आप यीशु के अनुसार नहीं चलते. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Love your wife. कि अपनी हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रख. When do you love? और कब आप प्रेम रखेंगे? There was an old man here when I first came 52 years ago. और 52 साल पहले जब मैं यहाँ लखनऊ आया सेवा करने के लिए, तो एक वृद्ध व्यक्ति थे. And when I arrive here, और जब मैं यहाँ पहुँचा, I was told that he is a member of this church. और मुझे ये बताया गया कि इस कलीसिया के ये सदस्य हैं. But he never visited. लेकिन वो कभी भी कलीसिया आते नहीं थे. And he used to beat up his wife like anything. वो अपनी पत्नी को मारते थे. And that was his life. और ऐसा ही उनका जीवन था. All are educated. और बड़े शिक्षित लोग. And then the wife died. उसके बाद पत्नी की मृत्यु हो गई. You know, he did not bury her for many days. और कई दिनों तक उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को दफनाया नहीं. He kept the wife's body for a few days. और कुछ दिनों तक अपनी पत्नी की शरीर को, मृत शरीर को वैसे ही रखे रहे. And what was his reason? और उनका कारण क्या था? He said, उन्होंने ये कहा, he is trying to speak to her spirit. और वो उनकी आत्मा से बात करना करने की कोशिश कर रहे हैं. By using her body. और उनकी देह या उनके मृत शरीर का प्रयोग करने के द्वारा. I don't know how he was going to communicate with her spirit. मुझे ये नहीं पता था कि वो कैसे उनकी आत्मा से बात करेंगे. I don't think it never happened. अब मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हो सकता. But while she was alive, लेकिन जब वो जीवित थी, what was his business with his wife? वो अपनी पत्नी के संग वो कैसा व्यवहार करते थे? Beat her and fight with her and throw her out and all these sort of things. और उनको मारते थे, धकेलते थे और घर से बाहर निकालते. And when she died, और जब उनकी मृत्यु हो गई, suddenly the love increased. अचानक से प्रेम बढ़ गया. How foolish a man can be. और कितना मूर्ख एक व्यक्ति हो सकता है. When your wife is alive, जब आपकी पत्नी जीवित है, your husband is alive, आपके पति जीवित हैं, that's the time you should show your love for each other. वो ये समय है कि आप अपने प्रेम को एक दूसरे के प्रति दिखाएं. If you want to say good things about your wife, अगर आप अपनी पत्नी के विषय में भली बातों को कहना चाहते हैं, tell it to her. उनसे बताइए. What is it? Suddenly husbands get very emotional when the wife is dead. अचानक से पति बड़े भावनात्मक हो जाते हैं जब पत्नियों की मृत्यु हो जाती है. And the wife also the same thing. और पत्नियों के संग भी यही बात है. While they were alive, जब पति जीवित था, there was no mention of any good things about each other. एक दूसरे के विषय में किसी भी अच्छी बात के लेकर बात नहीं हुई. But then when the wife or husband died, लेकिन जब पति या पत्नी की मृत्यु हो गई, and then they like, you know what they say. और आपको पता है वो क्या-क्या कहते हैं?
If you want to show your love, show when she is alive. अगर आप अपने प्रेम को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए जब वे जीवित हैं. When you want to appreciate your husband, appreciate when he is alive. अगर आप अपने पतियों की सराहना करना चाहते हैं तो करिए जब वे जीवित हैं. If you want to give some flower, और अगर मान लीजिए आप कुछ फूल देना चाहते हैं. Don't wait until the death and the coffin comes and then suddenly bouquets and what not. तब उनकी मृत्यु तक आप इंतजार मत करिए. जब उनका दफनाया जाना हो और वो कफन आएगा तब आप उस बुके को देंगे, फूलों को रखेंगे. You just imagine. सिर्फ सोचिए. Why do we do that? हम क्यों ऐसा करते हैं? We do it to show how much we loved her or loved him. हम इसलिए ऐसा करते हैं इस बात को दिखाने के लिए कि हम उनसे कितना प्रेम रखते थे. Well, poor wife doesn't even see anything, doesn't even hear anything. Poor husband also the same thing. What is the use? और चाहे पति हो या पत्नी, दोनों के पास ऐसी ही बातें हैं. Show it while you are alive. और इसलिए आप दिखाइए अपने प्रेम को जब आप जीवित. Keep your relationship so intimate. और अपने रिश्ते को गहरा बनाए रखिए. And the devil will do everything possible to destroy your relationship. और शैतान हर रीति से हर प्रकार की कोशिशें करेगा कि वो आपके रिश्ते को तोड़े. Because he has a scheme. क्योंकि उसके पास युक्तियां हैं. And so what this verse actually mean? और इस वचन का क्या मतलब है? Christians are engaged in a spiritual battle. कि मसीही लोग एक आत्मिक मल युद्ध में जूझ रहे हैं या लड़ रहे हैं. And this conflict is described here as a warfare of faith. और यहाँ पर इस युद्ध की वर्णन किया गया है एक ऐसा युद्ध जो विश्वास के लिए है. I'm not going to preach the whole thing today. और आज की रविवार के इस दिन मैं पूरे प्रचार को नहीं रखूंगा. Something very important I want you to see today. लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं चाहता हूँ आज आप देखिए. Turn to 2 Corinthians chapter 10. दूसरा कुरिन्थियों 10वें अध्याय की ओर आप खोलिए. What are we considering? हम किस बात को देख रहे हैं? Christian life is a spiritual conflict with the devil. याद रखिए मसीही जीवन शैतान के संग एक मलयुद्ध है. If you want to live a godly life, और अगर आप एक भक्तिमय जीवन जीना चाहते हैं, this conflict will come. तब ये लड़ाई आपके सामने भी आएगी. Because you want to live godly, क्योंकि आप भक्तिमय जीवन को बिताना चाहते हैं. But the devil wants you to live worship him. लेकिन शैतान तो ये चाहता है कि आप उसके लिए जिएं और उसकी आराधना करें. So then the conflicts begin. तो इसीलिए यहाँ पर एक लड़ाई शुरू होती है. That is a conflict. और यही लड़ाई है. Warfare. एक मलयुद्ध. And the devil has schemes. और शैतान के पास युक्तियाँ हैं. Don't forget it. इस बात को ना भूलिए. Okay, 2 Corinthians chapter 10 verse 4. और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 4 वचन. Look at what it says. और देखिए वहाँ पर क्या लिखा है. The weapons we fight with are not the weapons of the world. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर का द्वारा सामर्थ्य है. This is a believer's. We're talking about believers' weapon and in their conflict with the devil. और ये बात कर, ये वचन बात करता है विश्वासियों के हथियारों के, या जो हथियार उनके पास उपलब्ध हैं इस प्रकार की लड़ाई को लड़ने के. So the just like a physical fight or battle requires weapons. और जिस प्रकार से एक शारीरिक युद्ध में हथियारों की आवश्यकता पड़ती है. This is spiritual conflict. ये आत्मिक लड़ाई है. In your life. आपके जीवनों में. And the spiritual conflict requires spiritual weapon. और याद रखिए इस आत्मिक युद्ध के लिए आपको आत्मिक हथियारों की जरूरत है. Not worldly weapon. ना कि सांसारिक हथियार. What is the worldly weapon? और ये सांसारिक हथियार है क्या? Even in the fighting between us, you know what we use? जब हमारे बीच लड़ाई होती है, लोगों के बीच लड़ाई होती है, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? Some people use knife. कुछ लोग चाकू का प्रयोग करते हैं. सम पीपल यूज अ गन. और कुछ लोग बंदूक का प्रयोग करते हैं. सम पीपल यूज पॉइजन. और कुछ लोग जहर का प्रयोग करते हैं. एंड व्हेन यू मेक द टी और कॉफी पुट सम पॉइजन एंड अ पुअर फेलो इज ड्रिंकिंग और वुमन इज ड्रिंकिंग एंड दे डाई. खाना या चाय बना करके देते हैं तो उसमें जहर मिला देते हैं और जो दूसरा व्यक्ति पीता या खाता है उसकी मृत्यु हो जाती है. दीस आर द वर्ल्डली वेपन्स. और ये सांसारिक हथियार हैं. बट वी आर नॉट एंगेज्ड इन अ वर्ल्डली वॉरफेयर. लेकिन हम एक सांसारिक युद्ध में नहीं लगे हुए हैं. We are engaged in invisible forces of evil.
लेकिन हम तो ऐसी शक्तियों के विरुद्ध अपने युद्ध को लड़ रहे हैं जो अदृश्य हैं। Apostle Paul says, और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, The weapons we fight with are not the weapons of the world. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं। You cannot go to any Christian store and ask them, "Can I have a weapon, spiritual weapon to battle with the devil?" Because the devil is Satan is disturb me. और आप किसी ऐसी मसीह मान लीजिए मसीह दुकान पर जाकर ये नहीं कह सकते कि क्या तुम्हारे पास वो आत्मिक हथियार है कि मैं शैतान से लड़ सकूं। Nobody can sell you that weapon. और कोई भी ऐसा हथियार आपको नहीं बेच सकता। So Paul says, और इसलिए पौलुस कहता है, On the contrary, दूसरे हाथ पर, The weapons we use have divine power. कि जिन हथियारों का प्रयोग हम करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य He's talking about spiritual weapon. और वो बात कर रहा है आत्मिक हथियारों के विषय में Invisible. और ऐसे अदृश्य हथियार And by faith we use these weapons. और विश्वास के द्वारा हम इन हथियारों का प्रयोग करते And हैं the spiritual weapon, और ये आत्मिक हथियार like our salvation, जैसे हमारा उद्धार you know, you talk about Ephesians chapter 6 describe the spiritual warfare, I mean the put on the whole armor of God. और इफिसियों की पत्री उसके छठे अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे लिखने वाला ये कहता है कि परमेश्वर के सुरक्षा कवच को पहनो। So tonight you, when you sit for a family prayer, read Ephesians chapter 6 and take note of all the items there are in this armor. और इसलिए आज की रात जब आप अपनी पारिवारिक रूप से प्रार्थना के लिए बैठिए तो इस अध्याय को पढ़िए और लिखिए और देखिए किस प्रकार कितने हथियार वहाँ मौजूद हैं। बहुत लिसन पॉल इज राइटिंग ऑल दीज लेटर्स और पौलुस ही इन सारी पत्रियों को लिख रहा है। दे हैव द स्पिरिचुअल आर्मर इन एफिशियंस चैप्टर 6 हैव डिवाइन पावर और वो हथियार जो इफिसियों की पत्री छठे अध्याय में लिखे गए हैं उनके पास दैवीय शक्ति है वो स्वर्गीय सामर्थ्य मौजूद है। Everybody says divine power. और सब कहे स्वर्गीय सामर्थ्य। स्वर्गीय सामर्थ्य। The spiritual weapon. और ये आत्मिक हथियार। They have a divine power. इनके पास वो स्वर्गीय सामर्थ्य मौजूद So don't just push it aside saying, you know, these are all imaginary. They are not imaginary. They are real. तो इनको देख करके या इनके विषय में पढ़कर आप इन्हें हल्के रीति से ना ले क्योंकि ये सोच में नहीं लेकिन वास्तविक रूप में मौजूद है। Say they have divine power to demolish strongholds. और उनके पास वो स्वर्गीय सामर्थ्य है कि वो सारे शारीरिक गढ़ों को ढा दें स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द डीमोनिक पावर और शैतान के गढ़ों को ढा देने का सामर्थ्य यू नो वी डीमोलिश आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी प्रिटेंशन दैट सेट्स इटसेल्फ अप अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड और इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं दैट इज द डेविल्स weapon aur yahi shaitan ka isme hathiyar maujood hai for everything there is an argument aur har ek baat ke liye wo khandan wahan par ya wo kalpanaon ko lata hai we talk about baptism hum baat karte hain baptisme ke vishay it is necessary for a believing person to be baptized in water by immersion baptism ki ye zaruri hai ek vishwasi ke liye aur ki wo dubki ke baptisme ko le and remember aur yaad rakhiye why there is so much opposition to baptism kyun itna विरोध है बपतिस्मे को लेकर के यू नो व्हाई आपको पता है बिकॉज़ बैप्टिज्म इज वन एक्सटर्नल एक्ट वी बिलीवर्स डू इन ऑर्डर टू कन्फेस देयर सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड एंड सेपरेटेड अनटू गॉड क्योंकि बपतिस्मा एक ऐसी बात है जिसको करने के द्वारा हम सार्वजनिक रूप से इस बात को दिखाते हैं कि हम संसार से खुद को अलग कर परमेश्वर के लिए अलग ठहरा दिए गए रिमेंबर दिस और कृपया करके इस बात कन्फेसिंग विद आवर माउथ एंड बिलीविंग विद आवर हार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सल्वेशन कि अपने हृदय के द्वारा इस बात पर विश्वास करना और मुंह के द्वारा इस बात को अंगीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है वी विल नॉट बी सेव्ड बाय बैप्टिज्म और बपतिस्मे के द्वारा हम नहीं बचाए जाते बैप्टिज्म विल नॉट सेव अस एंड क्लेंस अस फ्रॉम आवर सिन और बपतिस्मा हमें बचाता नहीं और हमारे पापों से हमें शुद्ध नहीं करता एंड येट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट और लेकिन फिर भी बपतिस्मा क्यों जरूरी है इट इज अ पब्लिक डिक्लेरेशन ये तो एक सार्वजनिक घोषणा है
But what you believe in your heart, कि आप अपने हृदय में क्या विश्वास रखते हैं, and confess with your mouth, अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करते हैं, you are now publicly declaring it, और आप एक सार्वजनिक रूप से खड़े होकर के इस बात की घोषणा करते हैं, that I belong to Jesus Christ, कि मैं यीशु मसीह का हूँ, I am dying to myself, और मैं खुद के लिए मर जाता हूँ, and I am denying the world, और मैं संसार को तिरस्कार करता हूँ, I am denying the devil, और शैतान का तिरस्कार करता हूँ, and denying everything fleshly, और ऐसी कोई भी बात जो देह की है उसे उसका तिरस्कार करता हूँ, I am identifying myself with the death of Christ, और मैं खुद को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के संग पहचानता हूँ, believing, और ये विश्वास करते हुए, that Jesus took my place, इस बात पर विश्वास करते हुए कि यीशु ने मेरा स्थान लिया, and so I must see myself in the person of Jesus Christ on the cross, और इसलिए मुझे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में देखना है उस क्रूस के ऊपर. That public declaration is the one the devil does not want you to do. और शैतान इसी सार्वजनिक घोषणा को नहीं चाहता कि आप करें. Remember, याद रखिए, it is important, and for everything there is a, for that also there is an argument. और इस बात के लिए भी लोग बहस करते हैं. They will, the devil will cause you to argue about it. It is not necessary. और शैतान ही मजबूर करता है लोगों को इस बात को लेकर के भी बहस करना जरूरी नहीं है. Believe on the Lord Jesus Christ, you shall be saved. क्योंकि वचन बताता है यीशु पर विश्वास करो और तुम बचा लिए जाओगे. So I believe in Jesus. और मैं इसलिए यीशु पर विश्वास करता हूँ. That is enough. इतना ही काफी है. That is है. Not enough. ये इतना काफी नहीं है. If that was enough. और जब आप कहते इतना काफी है. Jesus would not have commanded baptism. अगर इतना ही काफी होता तो यीशु कभी भी बपतिस्मे की आज्ञा नहीं देता. It is his command. ये तो उसी की आज्ञा है. To baptize everyone who believes. कि हर एक को बपतिस्मा दो जो विश्वास करता है. Everyone who believes. और हर एक वो जो विश्वास करता है. Baptism is needed for those who believe. और इसलिए बपतिस्मा हर एक के लिए आवश्यक है जो विश्वास करता है. How about children? और बच्चों के विषय में क्या कहें? God will take care of them. परमेश्वर उनकी चिंता करेगा. Suddenly they argue about children. और वो अचानक से बहस करेंगे बच्चों के लिए. And the people who have never heard. और ऐसे लोग जिन्होंने कभी सुना नहीं होगा. All they go all over the world. They even go out of the world to argue. और वो पूरे विश्व भर में जाते हैं और इस बात के लिए बहस करते हैं. What do you have to do with the people who live in out in exterior jungles of Africa? और आपको उन लोगों से क्या लेना देना जो अफ्रीका महादेश में जो है वहाँ पर जंगलों में रहते हैं. What will happen to them who never heard? और उनके साथ क्या होगा जिन्होंने अभी तक सुना नहीं? That is not your business. वो आपका काम नहीं है. You will have a business with them. आपके पास उनके लिए काम तब होगा. Once you believe. जब आप पहले विश्वास करें. And if you believe. अगर आप विश्वास करते हैं. You be baptized. आप पहले बपतिस्मा लें. And after baptism, और बपतिस्मे के बाद, you become a disciple of Christ. आप यीशु मसीह के चेले बन जाएं. And it is the disciples who must go all over the world and preach the gospel. और ये तो चेले ही हैं जो विश्व भर में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करेंगे. In your neighborhood, अपने पड़ोस में, if you know people who have never heard about Jesus, अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने यीशु के विषय में नहीं सुना है, then it is for you to go and tell them. तब ये आपके लिए है कि आप जाएं और उन्हें बताइए. That is your responsibility. ये आपकी जिम्मेदारी है. And if the how about so and so? और इस व्यक्ति के विषय में क्या कहें? You go. अरे आप जाइए उनके पास. That is your responsibility. ये आपकी जिम्मेदारी है. And that is the responsibility of every disciple. और ये हर एक चेले की जिम्मेदारी है. So if you know any tribe, any people's group who never heard, you go. और इसलिए अगर आप किसी जाति के लोगों को जानते हैं जिन्होंने नहीं सुना, आप जाइए. Then you argue. और तब आप बहस करेंगे. Otherwise their blood will be upon you. नहीं तो अगर नहीं जाते तो उनका खून आपके हाथों पर होगा. प्लीज रिमेंबर दैट. कृपया याद रखिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट यू नो आर्ग्यूमेंट और ये बहस. द वेपन्स क्रिश्चियंस यूज एज द पावर टू डिमोलिश ऑल द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट गॉड. और इसलिए मसीही लोग परमेश्वर के सामर्थ का प्रयोग करते हैं कि हर एक बहस को, हर एक कल्पना को जो परमेश्वर के विरुद्ध है उसको ढा दें. दे हैव डिवाइन पावर. उनके पास वो स्वर्गीय सामर्थ्य. द सल्वेशन यू हैव. वो उद्धार जो आपके पास है. एंड द होली स्पिरिट इज इन यू. और वो पवित्र आत्मा आपके भीतर है. एंड द पावर ऑफ गॉड इज इन यू. और परमेश्वर का शक्ति आपके पास है. व्हाटएवर यू पॉसेस as a follower of Jesus Christ,
That is the power. और हर एक वो बात जो आप एक प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए हुए पाए हैं वो हर एक बात आपके पास. They have divine power. उनके पास स्वर्गीय सामर्थ है. Your faith. यो आपका विश्वास. As the divine power. के पास सामर्थ्य पास. Your commitment. और आपका समर्पण. As a divine power. उसके पास भी स्वर्गीय सामर्थ है. Your love. आपके प्रेम. As a divine power. उसमें भी स्वर्गीय सामर्थ है. Your compassion. और आपकी दया. As divine power. उसमें भी स्वर्गीय सामर्थ है. Hallelujah. Hallelujah. It is love and compassion that motivate us to share the gospel. और ये तो वो दया और वो प्रेम ही है जो हमें प्रोत्साहित करता है. Share your faith. अपने विश्वास को बांटिए. Share your love. अपने प्रेम को बांटिए. Hallelujah. Hallelujah. That sharing and seeking people who never heard and telling them about Jesus Christ. और ऐसे लोगों तक आप इस संदेश इस दया इस प्रेम को ले जाइए जिन्होंने अभी तक नहीं सुना. Oh yeah, there are Bibles available here. और यहाँ पर वो नए नियम उपलब्ध है. For free. और मुफ्त में. Take some Bibles. और अपने संग ले जाइए. And if you meet someone, you may be a stranger, but give this book. और हो सकता है आप किसी से मिले जो अजनबी हो लेकिन हो सकता है आप उसे एक किताब दीजिए. Sir, I want to give you this book. कि भाई मैं आपको ये किताब देना चाहता हूं. This book will show you the way to eternal life. और ये किताब तुम्हें अनंत के मार्ग को दिखाएगी. That's all you have to say. सिर्फ इतना ही आपको कहना है. Some people will refuse. और कुछ लोग लेने से मना कर देंगे. Let them refuse. होने दे. They वो मना करें. They are not refusing you. वो आपको मना नहीं करते. They are refusing Jesus. वो यीशु को मना करते हैं. But you must do your part. लेकिन आपको अपना भाग करना है. So if there is anyone who is not yet baptized. और इसलिए आप में से अगर ऐसा कोई भी है जिसने अभी तक डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया. And you keep on arguing about it. और आप इस विषय में अभी तक सोचकर बहस ही कर रहे हैं. Your argument will not stand before God. याद रखिए वो बहस परमेश्वर के सम्मुख खड़ी ना होगी. They have power to demolish stronghold. और वो खंड हर एक कल्पना और विचार जो परमेश्वर के विरुद्ध उठता है उसको तोड़ते हैं. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. इसलिए हम हर कल्पना और हर एक उसूची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं. And then it says, और उसके आगे लिखा है, We take captive every thought to make it obedient to Christ. हम हर एक भावना को कैदी करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. All kinds of imagination. हर प्रकार की भावनाएं. All kinds of thoughts. और हर प्रकार के विचार. Will come in our mind against the knowledge of true God. परमेश्वर के ज्ञान के सत्य के विरुद्ध हमारे दिमाग में आएंगे. And what we do is. हम क्या करते हैं? By the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा. And by the faith in the Lord Jesus Christ. और वो विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में हमें. We bring these arguments and thoughts and everything under our captivity. हम इन सारे विचारों इन सारी भावनाओं को अपना कैदी बना लेते हैं. In the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. That power you have. और वो सामर्थ आपके पास है. Your faith. आपका विश्वास. Your commitment. आपका समर्पण. Your love. आपका प्रेम. Your decision to follow Christ. और आपका चुनाव कि आप यीशु के पीछे चलेंगे. Your desire to serve God. और आपकी इच्छा कि आप यीशु की सेवा करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. And you will bring these unnecessary thoughts and into captivity. और आप ऐसी हर एक विचार हर एक भावना को अपना कैदी बना लेंगे. Instead of we becoming a captive. और इसकी बजाय कि हम उन भावनाओं के कैदी बने. We become masters. हम उनका स्वामी बन जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. Instead of we become victims, इसकी बजाय कि हम उनके द्वारा शोषण किए जाएं, we become victors. लेकिन हम जयवंत से बढ़कर हो जाते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Live a victor's life. और एक जयवंत के जीवन को आप जिए. Let us all stand. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े. The rest of the passages we will read next week. और अगले रविवार को जो बचे हुए वचन का भाग है उसमें. You better remind me, okay? Amen. Hallelujah. This is enough. Praise the name of the Lord. और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Amen. God wants you to live victoriously. परमेश्वर चाहता है कि आप एक जयवंत जीवन को जिए. God wants you to demolish all the arguments. और परमेश्वर चाहता है आप हर एक बहस को तोड़ दे. Against God's word. जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है. You must know that when unnecessary thought comes. और आपको ये जानना है जब गलत विचार या भावनाएं आती हैं. And you have a tendency to argue about it. और आपके पास ये मन रहता है आप उनके लिए बहस करें. You must confess. आपको इस बात का अंगीकार करना. This is not God's way. ये परमेश्वर का तरीका नहीं है. This is what
this is not what the Bible says. और ये वचन में ये नहीं लिखा and है. And therefore, और इसलिए, I bring these thoughts under my captivity. मैं इन विचारों और भावनाओं को अपना कैदी बनाता हूँ. Instead of this thought and imaginations controlling my mind, और इसकी बजाय कि ये विचार और भावनाएं मेरे मन का नियंत्रण लें, I will control these thoughts and मैं इन विचारों और भावनाओं पर अपना नियंत्रण लेता हूँ. And in the name of Jesus, यीशु के नाम में, we will demolish them. और हम इन्हें तोड़ देंगे. Hallelujah. Hallelujah. And every step of obedience will lead you into experiencing a higher revelation of God. और हर एक वो आज्ञाकारिता का कदम जो आप परमेश्वर के लिए बढ़ाते हैं, वो आपको ये मदद करेगा कि एक और ऊंचा अनुभव आप उसका करने पाएं. Amen. Amen.